आप गूगल यूज करना बंद कर दोगे अगर आप इस टूल को एक बार भी ट्राई कर लोगे तो। मैं बात कर रहा हूँ ओपन AI चैट GPT की। आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, कोड लिख कर दे देगा आपकी वेबसाइट का बिल्कुल फ्री में, आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, IIT का हो या JEE मेंस का हो या नीट का हो। लेकिन आप कहोगे इसमें ऐसा क्या खास बात है, ये तो गूगल भी कर देगा। अब आप इसको कहोगे कि चाय बना के लाए, तो ये चाय तो नहीं बना सकता, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चाय कैसे बनाते हैं वो आपको बता सकता है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप कहोगे फिर से कि ये भी गूगल कर देगा, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई करके तो देखिए, आप खुद पता लग जाएगा आपको कि कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है, ईजी है और एक मिनट में एक्यूरेट आंसर दे देगा, वो भी बिना किसी फालतू का एड्स देखे और बिना किसी लिंक पर क्लिक करे। आप अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, जैसे ये वीडियो जिसका स्क्रिप्ट भी चैट GPT ने ही मुझे दिया है, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो को बस देखते रहना। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने फोन को ओपन कर लिया है। अपने फोन में ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल या क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद ऊपर आपको टाइप करना है चैट जीपीटी टाइप करके आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगा, चैट GPT ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर, ये OpenAI.com की तरफ से आता है। देखिए ऊपर लिखा है OpenAI, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो इस वेबसाइट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए इसका कुछ स्टार्टिंग का यूजर इंटरफेस ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्राई चैट GPT लिखा हुआ है हाईलाइट में, यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ है, वहीं पर आपको क्लिक करना है ट्राई चैट GPT। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा ट्राई चैट GPT, तो यहाँ पे देखिए ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा स्टार्टिंग में। वो देखिए chat openai.com चेकिंग इफ दिस साइट कनेक्शन इज सिक्योर। अब ये चेक कर रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब मेरा कनेक्शन सिक्योर है। यहाँ पे प्रोसीडिंग लिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन आ गया। अब पहले से आप इसमें लॉगिन किए हैं तो लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप मेरी तरफ फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पे साइनअप पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ तो यहाँ पे मैं साइनअप पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं साइनअप पे देखिए अब क्लिक करता हूँ, साइनअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये पेज लोडिंग लेगा और यहाँ पे आ गया ईमेल एड्रेस डालने का। तो यहाँ पे नीचे देखिए आ गया कंटिन्यू विद गूगल। अब कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में जितना भी GMAIL ID है वो आपके फ़ोन पे ओपन हो जाएगा, और जिस GMAIL ID से आप इसमें लॉग साइनअप करना चाहते हैं उसको क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से एक GMAIL ID को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए लोडिंग लेगा और उसके बाद देखिए ऊपर आ गया, फिर से ये कनेक्शन आपका चेक करेगा कि सिक्योर है या नहीं है। उसके बाद सिक्योर में चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नाम आ जाएगा तेल और अबाउट यू, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, फिर से आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के और नीचे सेंड कोड पे क्लिक कीजिएगा। एक ऊपर आपको कोड आएगा वेरीफिकेशन कोड, वो वेरीफिकेशन आपको कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए ऊपर कोड आ गया, कोड जैसे ही डाली गए ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए मैंने जैसे ही कोड डाला ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर लोडिंग लेगा और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको ये कुछ लिखा हुआ आ जाएगा तो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, फालतू है। नेक्स्ट पर आपको बस क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर देखिए डन पर आपको क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद अब मेन यूजर इंटरफेस जो है वो दोस्तों यहाँ पर आ गया, जो मेन अब यहाँ पे है वो आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी इससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ से पूछ सकते हो। तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ राइट ए सॉन्ग, मतलब मान लीजिए मेरे को गायक बनना है, मैं गायक हूँ, मेरे को गाना लिखना है और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ गाना आ ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट ए सॉन्ग, उसके बाद सेंड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक मेरे को ये पूरा एक गाना लिख कर दे देगा, ऐसा गाना लिख कर देगा जो अभी तक किसी ने मतलब बनाया नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहले से कोई गाना हो वहीं लिख कर दे देगा, ठीक है, यूनिक सॉन्ग देगा जो अभी तक बना ही नहीं है अपने मन से, मतलब जो ह्यूमन का माइंड होता है उससे रिलेटेड आपको ये काम करके देखा है, जो हम लोग का दिमाग है उससे रिलेटेड काम करके देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉन्ग, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट ए सॉन्ग इन हिंदी, मतलब मेरे को हिंदी में गाना बनाना है, ठीक है, मैं इंडिया से हूँ। तो देखिए राइट ए सॉन्ग इन हिंदी, अब यहाँ पे मेरे को हिंदी में गाना लिख कर देगा। आप यहाँ से कुछ भी पूछवा सकते हैं, मैं देखिए बहुत कुछ यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए हिंदी में मेरे को ये गाना लिख के देने लगा, तेरे बिना जीना मुश्किल है, ऐसा ऐसा पूरा पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद मैं कुछ और सर्च करूँगा, यहाँ पे देखिए मैंने लाइट मोड में इसको क्लिक कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर यूट्यूब चैनल, मैं यूट्यूब से रिलेटेड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यूट्यूब चैनल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स मेरे को बताइए। तो जैसे मैंने ये सर्च किया तो देखिए यहाँ पे एक एक नंबर करके आपको 10 नंबर दे देगा। देखिए गेमिंग एंड दी राइज ऑफ स्ट्रीमिंग, गेमिंग से रिलेटेड दिया, दूसरा ब्लॉगिंग से रिलेटेड दिया, और यहाँ पे देखिए उसका एक्सप्लेन भी आपको करके दिखा रहा है कि ये तो कैटेगरी आपको दे देगा और उस कैटेगरी का एक्सप्लेन भी करेगा कि आपको कैसे बनाना है, उस पर कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, नंबर बाई नंबर एकदम एक्सप्लेन करके आपको देगा। ऐसे आपको कोई गूगल भी नहीं दे सकता है जैसे ये दे रहा है, और वो भी बिना किसी एड्स को देखे, बिना किसी लिंक पर क्लिक किए, बस
आपको लिखकर साइन करना है। देखिए यहाँ पे 10 गो दे दिया, न्यूज एंड चैनल, कुकीज, ब्लॉगर, गेमिंग। यहाँ पे देखिए नंबर बाई नंबर एक्सप्लेन में आपको समझा रहा है कितना, सबसे मेन बात यह है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो, मेरे को यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। आप यहाँ पे कैटेगरी लिख दीजिएगा, टेक वीडियो का चाहिए या ब्लॉग वीडियो के लिए चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया केवल राइट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो, यहाँ पे देखिए लंबा चौड़ा यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राइट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो इन हिंदी डालूंगा, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को नहीं बोलना है, मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए राइट स्क्रिप्ट वीडियो फॉर यूट्यूब वीडियो फॉर हिंदी, यहाँ पे देखिए ये हिंदी में मेरे को स्क्रिप्ट दे देगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख देते हैं, नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे करके आप यहाँ पे कैटेगरी भी डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, किस कैटेगरी में आपको मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट चाहिए तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको ये दे देगा। अब यहाँ पे मैं और क्या सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मतलब मान लीजिए मेरे को एक लव लेटर लिखना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ राइट ए लव लेटर इन हिंदी, मेरे को किसी को लव लेटर देना है तो यहाँ पे मैं बस सिखाने के लिए आपको सर्च कर रहा हूँ राइट ए लव लेटर इन हिंदी। जैसे ही मैं डालूंगा राइट ए लव लेटर इन हिंदी तो यहाँ पे देखिए अच्छा से एकदम सुंदर ह्यूमन माइंड से, सबसे मेन बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि ह्यूमन दिमाग से, ह्यूमन माइंड से यहाँ पे अटैच है ये, मतलब हम लोग का जैसे दिमाग है उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको ये काम करके देखा। ये नहीं कि अमेरिकन का या इंग्लैंड का कहीं दूसरा का दिमाग काम करेगा, जैसे हम लोग जैसा सोचते हैं उसी से रिलेटेड दे देगा। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ राइट आंसर ऑफ 10+7+3+2, मतलब यहाँ पे आप मैथ भी बना सकते हैं, कुछ चीज़ का आंसर आप यहाँ पे बना सकते हैं जो आपके दिमाग में। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया, अब यहाँ पे देखिए आंसर दे देगा, देखिए कितना देता है, दी आंसर इज 32। आप यहाँ पे दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं बना सकते। ऊपर देखिए थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे बगल में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्लियर कन्वर्सेशन है, जितना भी आपने यहाँ पे टाइप किया है, क्वेश्चन मांगा है, क्वेश्चन का आपको आंसर ये दिया है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप क्लियर कन्वर्सेशन पे क्लिक कीजिएगा, कन्फर्म क्लियर कन्वर्सेशन पे क्लिक कीजिएगा, ये सारा देखिए साफ हो गया, मतलब डिलीट हो गया। उसके बाद फिर से थ्री वहाँ पर लाइन पर क्लिक कीजिए तो यहीं से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डार्क मोड पर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहीं से आप डार्क मोड में क्लिक कीजिएगा तो डार्क मोड में चला जाएगा, यहीं से लाइट मोड में क्लिक कीजिएगा तो लाइट मोड में चला जाएगा। यहीं से आप देखिए नीचे लॉग आउट का ऑप्शन है, अपडेट का चेक करने का ऑप्शन है, यहीं से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं इसको और चेक भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको करके दिखा दिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।